ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ UX UI डिजाइनर्स के लिए है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, इट्स भावना रावत व्लॉग्स। एंड आज की वीडियो, जैसे कि आप लोगों ने बोला था कि किसी UX UI पे UX UI से रिलेटेड वीडियोस बनाइए, तो सबसे पहले अगर UX UI का अगर जब सिलेक्शन होता है, किसी भी डिजाइनर का सिलेक्शन होता है, तो उसे इंटरव्यू के बाद सेकेंड राउंड पे एक टास्क मिलता है जो कि उसे परफॉर्म करना पड़ता है। एंड जब वो टास्क निकाल देता है, क्लियर कर लेता है, तब जाके कंपनी उसको दूसरे राउंड में भेजती है जहां पे जस्ट सैलरी डिस्कशन एंड ये सब डिस्कशन होते हैं रिलेटेड टू द कंपनी। सो आज का ये टास्क सिर्फ UX UI डिजाइनर्स के लिए है। जो एक कंपनी आपको टास्क देती है, तो मैंने वो एक टास्क सेव करके रखा था जब मैंने इंटरव्यू दिया हुआ था, तो मैं वही टास्क आपको करके दिखाऊंगी एंड वो टास्क कैसे करना है सारी चीजें। बट अभी मैं जा रही हूँ किसी कैफे में जहां पे शांति से बैठ के मैं वो काम कर सकती हूँ एंड कुछ खा पी सकती हूँ, क्योंकि आज संडे है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो अभी हम कहीं कैफे में जाएंगे एंड वहां पे टास्क परफॉर्म करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स गो, करते हैं चलो। तो मैं आई हूँ डिगिन में, जहाँ पे यहाँ पे पार्किंग करनी पड़ती है, जो कि है यहाँ। लेट मी पार्क माई गाड़ी एंड देन विल गो। हम यहाँ आ तो गए थे, जो कि है ये चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में, बट यहाँ पे सिर्फ डिगिन की हाइप है और यहाँ पे 45 मिनट्स की वेटिंग थी, तो हमें कोई प्लेस नहीं मिला। सो हम यहाँ से चले गए कहीं और। तो डिगिन बहुत फुल था तो हम वापस आ गए, अब कहीं और कैफे में जा रहे हैं, थक गए। यहाँ देखते हैं कोई कैफे। सो बेसिकली अगर मैं इस ऐप प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊँ, इस टास्क के बारे में बताऊँ, तो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फॉर म्यूजिशियन। वो अपनी वीडियो पोस्ट एंड इवेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं एंड लोग उनको हायर कर सकते हैं। तो ये फ्रेश न्यू म्यूजिशियंस के लिए भी है। तो हमने कुछ खाने को मंगाया, पहले हमने कुछ खाया यहाँ पे, जो कि हमने प्रॉन्स नूडल्स मंगाए थे एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और कुछ खाने के बाद फिर हम लग गए काम पे, जो कि मैं ये स्टार्टिंग ही कर रही हूँ एंड ये जस्ट लेआउट बनाने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पे मैं कुछ आर्टिस्ट को डालने चाहती थी, सर्च डालना चाहती थी एंड लोगो डालना चाहती थी। तो अभी मैं इसको पॉज करके थोड़ा सा सोच रही थी कि कैसे डिज़ाइंस बनाऊँ, जो कि मैंने बना ही लिया था, बाद में वो आपको दिखाऊँ। पहले थोड़ी और पेट पूजा हो जाए, तो हमने सिर्फ नाचोस मंगाए जो कि बहुत ही टेस्टी थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। मैंने वो खाए, साइड में रखे हैं। और जो ये वाला रेफरेंस है, यही जो मैंने पिंटरेस्ट से लिया हुआ था, लेआउट मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बना ही लिया था, सो इन्हीं लेआउट में ही मुझे कुछ चीज़ें चेंजेस करने थे, तो वो मैंने बनाया है। बाद में जो फुल व्यू होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे सिर्फ मैंने लेआउट बनाया है, अभी जो मैंने फाइन न्यू म्यूजिशियन लगाया हुआ है, यहाँ पे भी मुझे अपनी टैगलाइन लिखनी है। चोज है, रेड सॉस है, पाइनएप्पल है एंड गुकामोली। ये इंग्लिश डिशेस के ना नाम ही अलग होते हैं, जो ये सैलरी है और गुआकामोली, आई डोंट नो क्या होता है, बट कुछ तो होता है। बेसिकली जो लेआउट मैंने बनाया हुआ है, जिसमें जो ये ऊपर के चार हम टाइल्स दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम डालेंगे टॉप पोस्ट, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा लाइक्स आए होंगे, तो वो यहाँ पे शो करेंगे एज पर द एल्गोरिथम। एंड सेकेंड लेआउट का जो रेफरेंस बना लिया है, जो मुझे बनाना था एंड खा पी लिया है। हाँ, लोग खेल रहे हैं क्रिकेट, हटो 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 हटो, जीत गई इंडिया, जीत गई। ओए विराट कोहली भी है यहाँ पे, विराट भाई। सो हमने करी है टास्क, बना दिया है। हमने एक लैंडिंग पेज बनाना था, जिसमें मैंने एक पेज और एड ऑन किया हुआ है, जिसमें डिटेल पेज है, रेस्ट हमने थोड़ी रिसर्च करी है कॉम्पिटिटर्स एंड ऑल।
तो कुछ चीजें हैं जो कि हमें थ्योरेटिकली लिखनी थी, उनको अपनी लैंग्वेज में चैट जीपीटी में डाल के उन्हें एक पोर्टफोलियो जैसा बनाया हुआ है. सो अभी जैसा पोर्टफोलियो है वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाया है. कुछ मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी हुई है एंड डिजाइन की भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी हुई है, तो वो दिखाऊंगी. सो इसमें यही था बेसिकली, हमें एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, कोई टास्क मिलता है जिसे हमें करना पड़ता है. एंड इसके साथ ही कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी. सो क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है, कुछ अर्जेंट वर्क मेरे पास आ गया था एंड इट विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट व्लॉग. सो कीप वॉचिंग द व्लॉग एंड प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कुछ भी अगर आपको लगा हो. छोटा सा अपडेट है, मुझे ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, तो मैंने जो रिकॉर्ड किया हुआ है जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अबाउट दिस प्रोजेक्ट, तो वो मैं आपको इस वीडियो में इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं उसका पूरा एक्सप्लेन मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखना. एंड उसमें सब कुछ है जो भी मैंने फीचर्स ऐड किए हुए हैं और क्यों किए हुए हैं, PDF बनाई हुई है, UX रिसर्च है उसमें, एवरीथिंग यू हैव टू नो अबाउट. जो भी आप वीडियोस चाहते हैं एंड प्लीज़ लेट मी नो ऑन कमेंट सेक्शन. And that's it from my side. So thank you so much for watching this vlog and please like, share and subscribe. Bye bye.